इसी पे बात करने के लिए राना एहसान अफजल रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इन दिनों खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और हर रोज़ उनकी गुफ्तगू में नवाज शरीफ साहब का जिक्र ज़रूर होता है, कभी वो कोई तनकीद कर रहे होते हैं, आज उन्होंने मशवरा भी दिया है, क्या कहेंगे आप, इतने तहफ़ुज़ात क्यों हैं बिलावल भुट्टो को और क्यों इतने वो हाइफ नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल से जो पीपल्स पार्टी या 3P की जो कैंपेन है वो PMLN बैशिंग कैंपेन है। उनके पास और कोई बयानिया नहीं है सवाए इसके कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करें। एक एपिसोड तो आपने देख लिया जिसमें जो 4P है जिसने टिकट देने हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट कहा कि वो अंडर ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि पंजाब के टेकर सेटअप जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, उनको कुछ भी नहीं पता। तो मैं समझता हूं कि उस इंटरव्यू से ही उनकी काफी हद तक जो कैंपेन है वो एक्सपोज हो चुकी थी। लेकिन मैं सबसे बड़ा चीज ये कि उनके पास कोई बयानिया नहीं है, 16 माह हमारी तारीफें करते रहे, असेंबली में भी बैठ के बिलावल साहब शहबाज साहब की तारीफें करते थे कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अंकल फलाना ढमकाना, और अब जो है वो जब वो बदे मुकाबल है तो बजाय के वो बताएं कि पीपल्स पार्टी कौम के लिए क्या करेगी, वो PMLN की जो है उसको तनकीदी निशाने के ऊपर लेके वो समझते हैं कि इससे उनको वोट मिल जाएंगे। एहसान साहब, ये जो 3P और 4P है, आपको लग रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई हुई है, गुड कॉप बैड कॉप, ये प्लान्ड स्ट्रेटेजी है? देखिए, मेरे ख्याल से इतनी भी प्लान नहीं है। बिलावल साहब भी जरा तंग लगते हैं कि उनको खुला मैदान नहीं मिल रहा पीपल्स पार्टी में, उनको वहाँ जो है कुछ मामला जरदारी साहब डील करते हैं तो वहाँ फिर वो बेबस महसूस करते हैं, तो वो शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी करते हैं कि नौजवानों को जो है वो मौका मिलना चाहिए। तो उनका ज्यादातर मुतालबा तो मेरे ख्याल से जरदारी साहब से ही है। तो जहां तक बात है, जब टिकट ही उन्होंने देने और जब एक्सपीरियंस ही उनके पास है तो फिर बिलावल साहब के पास क्या रह जाता है सवाए नारे लगाने के। एहसान साहब, ये भी बताएगा, मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी पार्लिमानी बोर्ड है उसका आज पहला इजलास हुआ है और हम सुन रहे थे राना सनाउल्ला साहब, एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे दानियाल अजीज़ के हवाले से, वो कुछ उन्होंने कहा कि हमें अफसोस हुआ है उनके बयान से। शोकॉज नोटिस भी जारी हो गया दानियाल साहब को, क्या मसला हो गया? देखिए, असल में जो दानियाल साहब ने बातें से वो सही उसकी बयान की एहसन इकबाल ने कि महंगाई की तो कई वजह फिजिकल डेफिसिट एक वजह है, आलमी वजह है, तो वो जो वजीर मंसूबा बंदी है उसका तो कोई इन चीजों से लेना देना ही नहीं है और ना उनका कंट्रोल चीजों के ऊपर। तो ये इस मामले के ऊपर कोई अपनी लोकल सबकलश के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर उनको कोई इशू थे या कोई इतराजात थे तो वो पार्टी के अंदर रेज करते। तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन आके विद इन पार्टी जो है ये बातें करना, जिसकी कुछ देखे अगर लॉजिक हो, वो वाकई महंगाई काबू कर सकते होते एहसन इकबाल साहब या उनके हाथों में ये चीजें होती, आलमी मंडी की कीमतें बिल्कुल ऐसे है तो वो यकीनन ये करते। एतराज़ात की बात हो रही है एहसान साहब, तो हम बात करते हैं आज जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस पर तमाम सियासी जमातों को एतराज़ात हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो भी इससे कुछ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है, इन इंतखाबात के बाद क्या बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेगा या अभी भी ये सवाल जो है वो जवाब तलब ही है और ये सवाल झुका तू ही है कि बल्ले का निशान इनके पास रहेगा या नहीं? एहसान साहब, एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और तमाम जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे थे। हमने बात की मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, दानियाल अजीज़ ने कुछ गुफ्तगू किया, उसके बाद उन्हें शोकस नोटिस जारी किया गया है, इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जो कि इन दिनों खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, 3P का बयानिया लिए वो मैदान में नज़र आते हैं, जबकि जो जरदारी साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये मत भूलें कि तमाम टिकट्स मैं दूंगा और बिलावल को भी मैं ही टिकट दूंगा। तो अब अपनी ही पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ बयानी हैं जो लेके पीपल्स पार्टी चल रही है।